तैयारी में क्या क्या कमियां हैं उसकी अभी चर्चा कर रहे थे विधानसभा भाई। पहले बार विपक्ष में जीत कर आए, एनसीडी में भी तीनों नगर निगम में विपक्ष में हम जीत करके आए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि जैसे आम आदमी पार्टी का संगठन खत्म होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी खत्म होने जा रही है और इसका फायदा उठा करके कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की आपकी सरकार को भी खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आप सब लोगों को बधाई देने आया हूं कि जब पूरे दिल्ली के अंदर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें से आप उस समय आप में से तमाम साथियों ने एक मोर्चा संभाला और दोबारा संगठन निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा करके आज पूरे दिल्ली के अंदर संगठन के अंदर एक सकारात्मक माहौल तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर संगठन निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने जितना किया है उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जो बचा हुआ लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए संकल्प लेने का निवेदन भी करने आया हूं। आप सब लोग जानते हो दिल्ली के अंदर 14 तारीख को आम आदमी पार्टी के सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, आज भाजपा की अलग अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि आपने अपने मेहनत से दिल्ली के अंदर एक क्रांति का ऐसा बीज बोया कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले 3 साल में दिल्ली सरकार ने जितना काम किया है आजादी के बाद कोई हुकूमत नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर मिलती है। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां 20,000 लीटर पानी फ्री में मिलता है। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां पर सरकारी स्कूलों में परिवर्तन हो रहे हैं। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जिसने मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटलों को ठीक किया है। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपए बढ़ी है। देश की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां मजदूरों के न्यूनतम वेतन 14,000 रुपए हुआ है। देश का पहली सरकार है दिल्ली सरकार, जहां किसानों के फसल बर्बाद होने पर मुआवजा 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलता है। हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं मिली। हमसे आज पत्रकार पूछ रहे थे कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने क्या किया। मैंने उनसे पूछा और आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? उसके बगल में उत्तराखंड है, किस पार्टी की सरकार है? उसके बगल में हरियाणा है, किस पार्टी की सरकार है? उसके बगल में राजस्थान है, किसकी सरकार है? उसके बगल में मध्य प्रदेश है, किसकी सरकार है? अरे चारों तरफ भाजपा ही तुमने सरकार बनाई है, लेकिन तुम्हारे सारी सरकारों के राज्यों से लोग इलाज कराने दिल्ली में आते हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं। भरोसा वहां के लोगों ने तुम्हारे हॉस्पिटलों पर, नहीं भरोसा उनको तुम्हारे इलाज पर, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है तुम्हारे राज्य के लोगों को। एक बार पता कर लो अगल आजू बाजू के राज्यों के हॉस्पिटलों की दशा, और एक बार हमारा मोहल्ला क्लिनिक देख लो, पता चल जाएगा केजरीवाल क्या करता है और तुम्हारे लोग क्या करते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं। साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आप जब दिन रात मेहनत करते हो संगठन के लिए, कई इसमें साथी हैं जो आंदोलन से जुड़े हुए, कई साथी हैं जब पहली बार 28 सीट का चुनाव हम लोग लड़े थे तब से जुड़े हैं, कई साथी हैं जिन्होंने 67 सीट के रिकॉर्ड बनाने में सहयोग किया, कई साथी हैं जो आज जुड़े हैं। आप सब लोग जब संगठन का काम करते हो आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर काम किसके लिए करें। परिवार वाले पूछते हैं, अरे आंदोलन था चलो ठीक है, पहली बार में 28 सीट मिली थी चलो ठीक है, अब तो 67 सीट की सरकार बनी और 3 साल हो गया, क्या मिला तुझे? क्यों घूमते हो टोपी लगा कर? पड़ोसी भी पूछ लेते हैं, भाई 3 साल हो गया सरकार तुम्हारी है, कुछ तो मिला होगा।
रिश्तेदार भी पूछ लेते हैं कभी कभी, गली वाले भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये छोटी बात है। परिवार वाले पूछते हैं छोटी बात है, रिश्तेदार पूछते हैं छोटी बात है, दोस्त मित्र यार पूछते हैं छोटी बात है। बहुतों को तो ये भी यकीन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के सिपाही, कई लोग पूछते हैं, बोल नहीं पाते सामने, अंदर आपस में चर्चा करते हैं, बोलते हैं कुछ तो मिलता होगा तभी तो इतना जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता है कि आज के जमाने में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे सिपाहियों को पैदा किया है जो अपने पार्टी और संगठन और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से अपने जेब से पैसा खर्च करके दिन रात काम करते हैं। समाज के लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन जब आपके मन में सवाल पैदा होता है कि मैंने इतना काम किया और मुझे क्या मिला, कई लोग आते हैं ऑफिस में बोलते हैं मैंने 3 साल पार्टी को दिया हमें क्या मिला, हमने इतना पैसा खर्च किया हमें क्या मिला। साथियों ये बात सच है, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा क्षेत्र की सीट है, 7 लोगों को ही केवल टिकट मिल सकता है। 70 विधानसभा की सीट है, 67 को आपने जिताया ही था, 2-4 अगर छोड़ दें तो लोकसभा विधानसभा की भी अगली टिकट सबको नहीं मिल सकती है। 272 हमने एमसीडी में लड़ाए थे, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं, जो हारे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ जगह पे घर बैठ गए वहां नए लोगों को टिकट मिल सकती है, सबको वो भी टिकट नहीं मिल सकती। अब मन में है कि जब टिकट भी नहीं मिल सकती, ट्रांसफर कराने के लिए कोई आ जाए रिश्तेदार, एकदम खासम खास प्रेस्टीज लग जाती है कि तू भी नहीं करा सकता, वो ट्रांसफर भी नहीं होता। ठेका में दलाली मिलती नहीं, वो धंधा ही बंद हो गया। अब मन में दुविधा है यार, काम करूं तो किस लिए करूं, किस लिए होर्डिंग लगाऊं, किस लिए पैसा खर्च करूं। कागज में नाम लिखना है तो लिख लो, दिल से तो साथ हो। साथियों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपको अंदाजा नहीं लगता कि आपको क्या फायदा हुआ है? व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से तो फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके बिजली के दाम आधे हुए हैं, सबको 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है जो सिखाए से काम कर रहा है। 3 साल का हिसाब किताब जोड़ के देखना कितना फायदा हुआ है। अगर सरकारी स्कूलों में क्रांति हो रही है तो आपके बेटे बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई की गारंटी हो रही है। आज इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो इलाज कराते थे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। लेकिन मैं फायदे की बात करना नहीं चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक सेकंड के लिए याद करो आजादी की लड़ाई के समय की बात, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे को चूमते जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकल जाती है, और वो हमारे लिए फांसी के फंदे को चूमने के लिए मुस्कुरा रहे थे। अगर एक बार भी उनके मन में सवाल आता कि मैं इस फांसी के फंदे को चूम रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, ईमानदारी से बताना देश आजाद होता या नहीं होता। हमारे मन में जितने सवाल हैं, आप ये सोचो कि आजादी की लड़ाई चल रही है और हम सारे आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अगर उस समय के सारे योद्धाओं ने अपने मन में इतने ही सवाल लिए होते कि इस देश के लिए मैं कुछ करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ईमानदारी से बताना देश आजाद हो जाता क्या? हम ही अगर होते तो यह देश आजाद नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब कुछ जिंदगी में अपने पाने के लिए नहीं होता, और यह भी मत सोचना कि आज जो कर रहे हो आज ही उसका फल मिलता है। कुदरत किसी भी काम को व्यर्थ नहीं जाने देती। आज जो आप बीज बोते हो उसका कभी ना कभी रास्ता निकलता है। जब किसान खेत में खेत की जुताई करके जब बीज डालता है
अगर बीज डालने के बाद वो सोचे कि आज ही पौधा क्यों नहीं निकला और इसने निराश हो जाए तो कभी खेत में फसल नहीं आएगी। जब वो बीज डालता है धरती के अंदर तो उसे पता है कि उग भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब समय होता है तभी पौधा बाहर आता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप सारे आम आदमी पार्टी के योद्धा हैं, सबसे पहले जरूरी है अगर संगठन को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो। अगर संगठन में जिंदगी में अपने काम धाम में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज सब लोगों को मैं एक आपको मंत्र देना चाहता हूं, अपने जिंदगी में आजमा करके देखना। पहला, कुदरत ने आज जो कुछ भी आज आपको दिया है, मान लो कि एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद दिया, उदाहरण के लिए मंडल अध्यक्ष बने हो, वार्ड अध्यक्ष बने हो, विधानसभा बने हो, अभी क्या है बूथ वाला चाहता है मंडल का बन जाऊं, मंडल वाला चाहता है वार्ड का बन जाऊं, वार्ड वाला चाहता है विधानसभा का बन जाऊं, विधानसभा वाला चाहता है विधायक बन जाऊं, विधायक चाहता है मंत्री बन जाऊं और मंत्री चाहता है मुख्यमंत्री बन जाऊं। संतोष नहीं है, इसलिए जो मिला है उसके पाने के बावजूद भी असंतुष्ट घूम रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि संगठन के अंदर, परिवार के अंदर, जहां बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर कहीं भी समाज के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हो और चाहते हो कुदरत आपके साथ न्याय करे तो सबसे पहले गांठ बांध लो। जो कुछ भी आज मिला हुआ है उसके प्रति पहले सम्मान करो, सबके सामने नहीं, अकेले में सोते समय इस कुदरत को, इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि कुछ तो आपने देखा जिसकी वजह से आपको इतना आपको दिया है। जो मिला है उसका सम्मान अगर नहीं कर पाओगे तो जो चाहते हो वो कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आज आप यहां बैठे हो तो इस मंच पर बैठने के लिए छोड़ दो लालच। बूथ अध्यक्ष है तो जिंदगी भर बूथ अध्यक्ष बने रहे, मैं ऐसा नहीं कहता। मंडल अध्यक्ष कभी विधानसभा अध्यक्ष ना बनने की चाहत रखे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो भी चाहते हो उसको पाने का दो रास्ता है। एक रास्ता है संघर्ष का रास्ता, जब हम नहीं पाते हैं जो चाहते हैं तो गुस्सा आता है और फिर हम संघर्ष करते हैं, परिवार में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं, पड़ोस में भी करते हैं, रिश्तेदारी में भी करते हैं, हर जगह ये काम करते हैं। नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं तो क्या होता है, मन में क्या आता है, गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हम संघर्ष शुरू कर देते हैं, तीन तिनाव शुरू कर देते हैं, जिसको मिला होता है उसके खिलाफ बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है संघर्ष से भी आपको वो चीज मिल जाए जो आप चाहते हो, लेकिन एक बार सोचो, संघर्ष से जो चीज चाहते हो मिल जाती है, संघर्ष में दो लोग चार लोग दुश्मन बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, वो चीज मिलने के बाद भी कभी आप चैन से नहीं रह सकते क्योंकि आप अकेले थे, अब आपके चार विरोधी हैं, आपकी पूरा समय उसी में लग जाता है। दूसरा एक और रास्ता है, प्रयास का रास्ता। जो चीज मिला उसके प्रति सम्मान व्यक्त करो और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो। प्रयास का मतलब क्या है, आज अगर वार्ड अध्यक्ष हो और विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहते हो तो वार्ड अध्यक्ष रहते हुए इतना अच्छा काम करो कि दूसरा आकर के पूछे कि आप विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते हो। अगर प्रयास करके वार्ड अध्यक्ष से विधानसभा अध्यक्ष बनोगे तो सबका मोहब्बत मिलेगी, सबका प्यार मिलेगा और आपको भी सुकून होगा और कुछ करके दिखा पाओगे। संघर्ष और प्रयास में फर्क, लक्ष्य दोनों तरह से मिल सकता है, यह नियम व्यक्तिगत अपने लिए लागू होता है। संघर्ष करना है दूसरे के लिए करो, अगर आपके मोहल्ले में किसी के साथ अत्याचार होता है सड़क पर उतर जाओ, संघर्ष करो, आवाज उठाओ। अगर किसी देश के साथ अगर कोई गद्दारी करता है संघर्ष करो, समाज के साथ कोई गद्दारी करता है संघर्ष करो, अपने लिए प्रयास करो, समाज और देश के लिए संघर्ष करो। यकीन मानो आपके देश में, आपकी जिंदगी में विकास का रास्ता खुल जाएगा। जो चाहते हो एक ना एक दिन पालोगे अगर सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ो। दूसरी बात की मैं जो चर्चा करना चाहता हूं आपसे, आजकल हमारे जो विधायक हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सारे परेशान हैं, कह रहे हैं जी चुनाव तो अभी होना नहीं, कोई
जितना चुनाव में मेहनत नहीं करवाते थे उतना आज संगठन को बनाने के लिए मेहनत क्यों करवा रहे हो? रोजाना फोन आ जाता है, मंडल अध्यक्ष बन गया, बूथ अध्यक्ष बन गया, उसकी लिस्ट लाओ, उसकी लिस्ट लाओ, ये करो वो करो, ये मीटिंग वो मीटिंग। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव है नहीं तो क्यों मेहनत करवा रहे। इस बात को आपको समझना जरूरी है कि संगठन को मजबूत करने के लिए आज दिन रात काम क्यों किया जा रहा। उदाहरण के लिए एक बात बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आप में से कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, कोई बड़ा इलाज कराना है, बड़ा ऑपरेशन कराना है, आप डॉक्टर से कहते हो, कहता है 3 महीने बाद आना, आप सरकारी की जगह प्राइवेट में जाते हो और कर्जदार बनते हो, 2 लाख 4 लाख का बिल आता है। अभी दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बना दिया कि अब अगर जाओगे कोई बड़ा से बड़ा ऑपरेशन है, जांच है, अगर 1 महीने का समय देता है सरकारी हॉस्पिटल तो डॉक्टर से उसी पर्ची पर लिखवा लेना, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करा लेना। अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से प्राइवेट में आपने रेफर करा करके इलाज कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल 2000 का आए या 2 लाख का आए, आपको अब कर्जदार बनने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। ये खबर कभी टेलीविजन चैनल पर देखा आप लोगों ने, अखबार में कहीं छपा था? ना अखबार में छपा ना टेलीविजन पर देखा, तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा? आपके गली में लोगों को पता कैसे चलेगा? 60,000 रुपए की थाली अरविंद केजरीवाल ने खाई थी चुनाव में, एमसीडी वाले देखा था ना? इस झूठ को जनता को कौन बताएगा? आज हम वहां पर खड़े हैं कि रोजाना झूठ बोला जा रहा है, जनता को सच बताने का हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यहां हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि टेलीविजन चैनल चला दें, इतना पैसा नहीं है कि रोजाना का अखबार छाप दें। इसलिए इस संगठन के माध्यम से एक वैकल्पिक मीडिया हम खड़ा कर रहे हैं। हर 25 घर पर एक ब्लॉक अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि यहां जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सारे अपना रोजगार करते, अपना धंधा करते, बिजनेस करते, नौकरी करते और उसके बाद समय देते हैं। एक व्यक्ति एक काम को 16 घंटे में करता है, अगर 16 लोग उसी काम को करें तो कितने घंटे में हो सकता है? 1 घंटे। इसलिए संगठन का जाल बिछाया जा रहा है, हर 25 घर पर एक व्यक्ति को नियुक्ति करो, उससे 24 घंटे हमें नहीं चाहिए, 1 घंटा चाहिए। 25 घर है, 1 घंटे में अगर कोई भी बात पहुंचानी हो 3 दिन में, 72 घंटे में वो 25 घर में पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता? पहुंचा सकता है जी। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष, संगठन मंत्री, विधानसभा के पदाधिकारी, वार्ड के साथ मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष के नीचे हर 25 घर पर एक ब्लॉक अध्यक्ष बन रहा है और ये हमें बनाना है। एक बार की मेहनत है, अगर ये बात मेहनत कर लोगे आप तो आज अगर कोई सच्चाई है, दिल्ली सरकार कोई नियम लागू करती है, 72 घंटे के अंदर ऐसा संगठन हम बनाना चाहते हैं कि सारी दुनिया की शक्तियां एक तरफ झूठ बोलने में लग जाएं, तब भी हम 72 घर में दिल्ली के हर घर में सच्चाई पहुंचाने की औकात पैदा करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के। एमसीडी चुनाव में हमारी सिर्फ एक ही कमी रह गई थी कि अपने हम काम को घर घर नहीं पहुंचा पाए, झूठ फैल गया चारों तरफ। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी बात, इस देश के अंदर केंद्र सरकार जो भाजपा की एक षड्यंत्र कर रही है, आपने नाम सुना हुआ, देश हमारा गुलाम रहा लंबे समय तक, उस गुलामी की शुरुआत एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने पूरे देश को धीरे धीरे अपने जाल में जकड़ लिया। सैकड़ों साल ये देश गुलाम रहा और कुर्बानियों के बाद आजादी मिली। आज केंद्र में बैठी हुई एक सरकार देश के नाम पर देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रही है। लोग पूछते थे देश में नोटबंदी क्यों लागू की गई, समझ में नहीं आता क्योंकि काला धन तो आया नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता जीएसटी क्यों लागू की गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सीलिंग क्यों चल रही है, क्योंकि हर आदमी पूछता है जिन व्यापारियों ने, जिस बिजनेसमैन ने अपने खून पसीने की कमाई से 1-1 रुपए निकाल करके इस भाजपा को पाला पोसा और केंद्र सरकार तक पहुंचाया, आखिर वो भाजपा उन व्यापारियों पर पेट पर लात क्यों मारना चाहती है?
किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया है जब इसने एफडीआई पर साइन किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने देश के नाम पर देश के अंदर जितना कारोबार है सबको तहस नहस करने के लिए विदेशी कंपनियों को 100% देश में आने की छूट दी है। हम सब जानते हैं अगर हमारे परिवार की आमदनी बंद हो जाए, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाए, 4 दिन बाद हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। कोई समाज बिना आर्थिक मजबूती के आगे नहीं बढ़ सकता, कोई देश बिना आर्थिक मजबूती के आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी केवल काउंसलर और विधायक बनाने के लिए नहीं पैदा हुई, आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए नहीं पैदा हुई, आम आदमी पार्टी देश को बचाने और देश को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुई। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विधायक की जरूरत पड़े तो 1 घंटा कम दे देना, अगर संगठन की जरूरत पड़े तो 2 घंटा कम दे देना, लेकिन यह देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, अगर देश की जरूरत पड़े तो सब कुछ नौछावर कर देना, अगर सर पर टोपी पहने हो तो, तभी इस मातृ वतन की रक्षा हो सकती है और इसी में आम आदमी पार्टी की सारी ताकत निहित है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हमें संगठन को भी बनाना है। दिल्ली की सरकार की जो हमारी उपलब्धियां है उसे घर घर भी पहुंचाना है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है इस देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है आर्थिक रूप से गुलामी का, उसके खिलाफ भी लोगों को जागरूक करना है। आखिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर 11 फरवरी को सभी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा का आयोजन हो रहा है। आप सब लोग आज के बाद विकास यात्रा में लगेंगे और विकास यात्रा के बाद मेरा सभी VCI से, विधानसभा अध्यक्ष, संगठन मंत्री से निवेदन है, अपने अपने विधानसभा में संगठन को पुनः मजबूत करने का, लोगों के साथियों के साथ मिलने का और उनको मोटिवेट करने का, प्रोत्साहित करने का, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं तो कभी कभी मन में निराशा आती है। आप जितना बड़ा काम कर रहे हो आपको अंदाजा नहीं लगता। मैं हरियाणा में संगठन बनाने जाता हूँ, गुजरात में संगठन बनाता हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। आपको यकीन नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के उस आखिरी आदिवासी इलाके में रहने वाला नौजवान अचंभित नजर से देखता है आपकी तरफ, पूछता है कि क्या दिल्ली में सचमुच हमारे पार्टी में ऐसे वॉलंटियर हैं जिन्होंने ईमानदारी से कांग्रेस भाजपा वालों का दिल्ली में सफाया कर दिया। आज आपके ऊपर पूरे देश के वॉलंटियर गर्व करते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके दम पर पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनके रोल मॉडल हो, आपसे उनको विश्वास मिलता है, इसलिए आपके ऊपर दायित्व दोहरा है। दिल्ली का भी दायित्व है और देश का भी दायित्व है। एक बात आखिरी कहना चाहता हूं, संगठन को मैं इतना मजबूत करना चाहता, पहले 3 महीने में हमारे खिलाफ 1 हमला करते थे मोदी जी, अब इस नए साल में 1 महीने में 3रा हमला हो गया। पहला जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया सबने मिलकर, फिर तब भी काम इस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, अभी CBI एक फाइल पता नहीं कहां से आई, TV में आ रहा था सत्येंद्र जैन की एक फाइल मिल गई, अरे सारा कागज जब 6 महीने पहले ही उठा ले गए थे फिर नई फाइल कहां से मिल गई। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, संगठन को इतना मजबूत रखो, चुनाव के लिए संगठन नहीं बनाया आम आदमी पार्टी ने, देश के लिए बनाया है। दिल्ली में जो क्रांति आपने पैदा की है उसको आगे बढ़ाने के लिए बनाया है, इतना मजबूत संगठन बढ़ाओ। चुनाव चाहे वो 2 साल पर कराएं, 1 साल पर कराएं, 6 महीने में कराएं, 3 महीने में कराएं, और जरूरत हो तो कल कराने, भाजपा कांग्रेसियों का सफाया करने के लिए संगठन इतना मजबूत बने। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमें उम्मीद है कि आज के बाद इस जिले में अलग अलग विधानसभा में आप सब लोग मोर्चा संभालेंगे, जो साथी यहाँ नहीं पहुंचे हैं उन तक भी पार्टी के इस संदेश को पहुंचाएंगे और हम मिल करके इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर से कुंडली के वॉलंटियर्स के लिए सारे लोग मिलकर एक बार ताली बजा दो जिन्होंने आज हम सब लोगों को बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।